बाबूलाल गौर आज हमारे बीच नहीं है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनसे जुड़ी कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो कि मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में गूंजती हैं। हालांकि बाबूलाल गौर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर मध्य प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक वो पहुंचे। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश का वो नेता जिसे कभी बुलडोजर मंत्री के नाम से भी जाना जाता था। बुलडोजर मंत्री इसलिए क्योंकि जब 1990-92 के दौरान सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, तो उस वक्त मंत्री रहे बाबूलाल गौर को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद बाबूलाल गौर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, चाहे कोई भी पैरवी कर ले। बाबूलाल गौर का बुलडोजर अपना काम किए बगैर नहीं रुकता था। गौर का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 1930 में हुआ था। पिता भोपाल में शराब की दुकान में काम करते थे, लिहाजा गौर भी भोपाल आ गए। बाबूलाल गौर बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाते थे, लिहाजा उन पर संघ का असर पड़ा और वो अपने पिता के पुश्तैनी बिजनेस को छोड़ राजनीति का रुख किया। 2003 के मध्य प्रदेश चुनाव में उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद ही उमा भारती के खिलाफ हुबली की एक अदालत ने वारंट जारी कर दिया, वो भी 10 साल पुराने एक राजनीतिक मामले को लेकर। उमा भारती पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का दबाव बनने लगा। उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया और बाबूलाल गौर को सीएम की कुर्सी मिल गई। बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनका पिछड़ी जाति से होना भी बताया जाता है। जाति से बाबूलाल गौर यादव थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना सरनेम यादव नहीं लगाया। उसके पीछे भी एक किस्सा है, कहानी है। बताया जाता है कि उनके स्कूल में उनके टीचर ने ही उनका सरनेम गौर लगा दिया था, इसीलिए क्योंकि बाबूलाल गौर क्लासरूम में बड़े ही गौर से अपने टीचर को सुनते थे और उनके सवालों का जवाब दिया करते थे। भले ही अपनी काबिलियत के बल पर बाबूलाल गौर सत्ता के शिखर तक पहुंचे हो, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था। जब उन्हें मुख्यमंत्री बने अभी 3 ही महीने हुए थे, तभी उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन बेटे की अंत्येष्टि के बाद बाबूलाल गौर घर नहीं लौटे, बल्कि एक ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को ढांढस बंधाने चले गए। बाबूलाल गौर एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जो कि हर दिल अजीज थे। उनकी जिंदा दिली और खुश मिजाजी के लिए वो जाने जाते थे। उनका राजनीतिक सफर बेहद सफल और बहुत ही लंबा रहा। वो एक ऐसे नेता थे जो कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे। बाबूलाल गौर के नाम भोपाल की गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भी है।